दोस्तों जियो जियो को जाना जाता है फ्री सर्विसेज के लिए, सस्ते ऑफर्स के लिए, या फिर यहाँ पे नई साल हो या फिर कोई दीपावली हो तो एक वहाँ पे नया धमाका करने के लिए। लेकिन इस बार जियो ने दीपावली से पहले ही अपने ग्राहकों को दे दिया एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अब हम नहीं कर पाएंगे 10 अक्टूबर के बाद से अपने जियो नंबर से किसी भी दूसरी कंपनी के नेटवर्क पे कॉल फ्री में। हमको कॉल करने के लिए यहाँ पे चार्ज देना होगा, वो होगा 6 पैसा पर मिनट। तो यहाँ पे जियो ने बोला है कि जो 6 पैसा पर मिनट का चार्ज है वो IUC चार्ज है। IUC चार्ज क्या होता है, जैसे हम करते हैं अपने जियो नंबर से एयरटेल पे कॉल, तो यहाँ पे जियो कंपनी को देना पड़ेगा एयरटेल कंपनी को 6 पैसा पर मिनट। जो कॉल कनेक्ट करने का चार्ज होता है उसको बोलते हैं IUC चार्ज। जो IUC चार्ज होता है वो ट्राई की तरफ से निर्धारित किया जाता है, यहाँ पे ट्राई की तरफ से निर्धारित किया गया है, वो है 6 पैसा। और इस पे बेस्ट चल रही है, इसकी सुनवाई होने वाली है 1 जनवरी 2020 को। यहाँ पे जियो का कहना है कि इसको पूरी तरीके से जीरो कर दिया जाए, ताकि जियो भी चार्ज है जो 6 पैसा अभी दिया जा रहा है इसको भी ना दिया जाए। और जियो ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जैसे ही ट्राई इस चार्ज को जीरो करती है तो फिर से आपके आउटगोइंग कॉल पूरी तरीके से फ्री कर दिए जाएंगे। तो भाई अगर आप 10 तारीख के बाद अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे जियो टू अनदर नेटवर्क पे कॉल करने के लिए भी रिचार्ज करना पड़ेगा, टॉपअप लेना पड़ेगा। यहाँ पे जियो टू जियो पूरी तरीके से फ्री रहेगा, एंड जियो टू लैंडलाइन भी पूरी तरीके से फ्री रहेगा। आप चाहें तो, अगर नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और वॉइस कॉल कर सकते हैं, वो तो बेसिकली नेट से है तो वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं उस टॉपअप के बारे में, ICU टॉपअप के बारे में, कि आपको कितने में कितना मिलेगा। एंड उसके साथ उन्होंने ये भी कर दिया है कि आप रिचार्ज करेंगे तो उसके बदले में हम आपके लिए डेटा दे देंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से प्लान हैं, क्या क्या है उसमें। तो यहाँ पे पहला है, वो है 10 रुपये का। अगर आप 10 रुपये से रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए मिलते हैं 124 मिनट, और इसी के साथ आपको फ्री दिया जाता है 1 GB डेटा। और यहाँ पे दूसरा प्लान है, वो है 20 रुपये का। अगर आप 20 रुपये से रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए दिए जाते हैं 249 मिनट, और इसी के बदले में दिया जाता है आपको 2 GB फ्री डेटा। तीसरा प्लान है, वो है 50 रुपये का। अगर आप 50 रुपये से रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए दिए जाते हैं 656 मिनट, और इसी के साथ दिया जाता है फ्री 5 GB मोबाइल डेटा। और यहाँ पे जो चौथा है वो है 100 रुपये का। अगर आप 100 रुपये से रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए दिए जाते हैं 1365 मिनट एंड 10 GB मोबाइल 4G डेटा। तो दोस्तों ये प्लान है जियो के चार, जिनमें से आपको एक चॉइस करना पड़ेगा किसी दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने के लिए। बेसिकली यहाँ से दोनों तरफ से जियो को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहला तो ये कस्टमर को झटका दे दिया है, अब चार्ज वसूल कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जैसे जियो टू जियो फ्री है तो लोग बाग एयरटेल या फिर दूसरी कंपनी के हैं वो कन्वर्ट होंगे, कौन से जियो पे आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को फ्री करने के लिए जो भी दूसरी कंपनी के नेटवर्क हैं वो आएंगे जियो पे। यहाँ पे जियो को घाटा क्यों हो रहा था, तो जियो ने अपने बयान में बताया है कि प्रतिदिन जियो के पास 30 करोड़ से ज़्यादा मिस कॉल आते हैं 2G नंबर से, जिनको जियो द्वारा रिटर्न किया जाता है। रिटर्न करते हैं तो जियो को देना पड़ता है जो 6 पैसा चार्ज सामने वाली कंपनी को देना पड़ता है। इस तरीके से जियो ने बताया कि उसने पेड किया है वो है 13,000 करोड़ के समथिंग। तो खैर जो भी हो, ये अभी से नहीं हुआ, ये तो पहले से चल रहा है, जियो ये इस बात को पहले से भी जानती थी। लेकिन पहले स्टार्टिंग में फ्री दिया कस्टमरों को जोड़े, अब धीरे धीरे जोड़ का झटका धीरे से दे रहे हैं। तो दोस्तों यही है प्लान। अब अगर आप रिचार्ज करते हैं 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद, तो आपको एक प्लान खरीदना पड़ेगा दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने के लिए। मतलब अब जियो फ्री नहीं रहेगी पहले की तरह कि भाई आप एक प्लान चुन लीजिए, प्लान चुन लिया इसके बाद चिंता फ्री करते रहिए कुछ भी करना है, तो अब आपको एक अलग से प्लान खरीदना पड़ेगा दूसरे नंबर पे कॉल करने के लिए। तो दोस्तों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने जियो फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।